इंदौर के MIG इलाके में एक जिम के दो ट्रेनर के खिलाफ पुलिस ने रविवार को केस दर्ज किया है। उन्होंने जिम में आने वाले युवक को स्टैमिना बढ़ाने और वेट गेन करने के लिए इंजेक्शंस दिए थे, जिससे युवक को यूरिन में शिकायतें आने लगी। पुलिस ने आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। इस मामले में जिम संचालक सोनू खान को हिरासत में भी लिया गया है। TI अजय वर्मा के मुताबिक एजाज पुत्र अब्दुल मजीद निवासी चंपाबाग की शिकायत पर अनूपनगर स्थित वन लाइफ फिटनेस जिम के ट्रेनर पर केस दर्ज किया गया है। इनके नाम शाफिक उर्फ सोनू खान और रईस हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ धारा 336, 337, 34 व मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1987 की धारा 24 के तहत केस दर्ज किया गया। और उसको कोई गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उसके प्राइवेट पार्ट्स में कुछ जलन जैसी होने लगी। इसी बात को लेकर उन्होंने इंजेक्शन के बदले 25,000 रुपये भी पेटीएम कराया उनको, जिमनास्टिक वालों को, और इसी बात को लेकर रिपोर्ट की गई है। फरियादी के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।